एक बड़ी खबर आ रही है केनगर थाना क्षेत्र से, जहां पर गणेशपुर पंचायत के सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ केनगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और बहुत जल्द उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले के विशेष तफ्तीश में जुट गई है। इस संदर्भ में पूर्णिया SP दयाशंकर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और तफ्तीश में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के मार्फत जब ये मामला संज्ञान में आया, तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को गांव भेजा गया है, परिजन से संपर्क किया गया, परिजन के द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया है, उनके साथ मारपीट और अभद्रता हुई है, इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करके अधिकतर कार्रवाई की जा रही है। पक्ष से भी मारपीट का आवेदन दिया गया है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। अभी बच्ची से संपर्क करने का हम लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अब उनके द्वारा आके दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा, उस आलोक में हम लोग बता पाएंगे कि आगे का क्या है। वहीं पीड़ित परिवार वालों की ओर से पूर्णिया SP को एक आवेदन भी सौंपा गया है, इसमें कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दरमियान अजीत कुमार रजक एवं उनकी मां ने बताया कि SP साहब की ओर से न्याय देने का उन्हें पूरा भरोसा मिला है। अंदर वहां बातचीत हुआ, हम SP साहब के पास गए, वहां जो है मतलब कि हम लोग को भरोसा है कि न्याय मिलेगा। SP साहब बोला कि तुम लोग स्थिर रहो, हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। केस हो गया जी। कौन से थाना में? पूरा मामला है केनगर थाना में। अधिक करके हमरा पुतो भेले, सरपंच साहब लेके चलो गले, मैंने पुतो हमरा हटा दल के, हमरा SP सिंह कोठो से हमरा अथी भेलो छे, मिललो छे कि आपको पुतो तोरा पुतो तोरा भए जेतै, तो भरोसा रखेल दिलो। सरपंच साहब ने यहाँ से हमरा बोलेलके लेके लड़की के बेटा के मारी पिटी का सरपंच साहब लड़की का भगा दल के हमरा से नहीं घर भगा दल के। मारपीट किसके साथ किए थे सरपंच? सरपंच वही हमरे पुतो के साथ। आप लोग थे वहीं पर जब मारपीट हो रहा था? हमरा सब का बगल करी दल के बाहर करी दल के घर से, अंगती गेट से, गेट से बाहर कर, हाँ गेट से बाहर करी, गेट लगा दल। किस चीज से मारा था? लप्पर से पहना मार के, मुक्का से मार के, तब बिजली को रास मार के थे। इस मौके पर समाज सेवी रंजीत पासवान ने कहा कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और SP साहब के द्वारा यह भरोसा मिला है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी, किंतु प्राथमिकी दर्ज होने में इतनी देरी होने से यह साफ है कि निचले स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वह गरीबों को न्याय देने के लिए तत्पर नहीं हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब इतने हाईलाइटेड मामले में इतनी देर से प्राथमिकी दर्ज होती है तो जनरल मामलों में क्या होता होगा। आप लोग देख रहे हैं उसका काफ़ी वीडियो वायरल भी हो रहा है और सभी लोग इसको अच्छी तरह से जान रहे हैं, और मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम तरह के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोगों ने इस पीड़ित को साथ दिया है और इस मुद्दे को पूरे अच्छे तरीके से और निष्पक्ष तौर पर आपने जो प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अभी जो हम लोग इस पीड़ित को लेके यहाँ पर आए हैं का मामला है, अजीत रजक हैं ये, चूँकि बैरगाछी गणेशपुर पंचायत के ये लोग हैं, तो ये शादी किए थे अपने से, प्रेम विवाह किए थे, और जो पक्ष है, लड़की पक्ष है, वो सरपंच के पति के पास आए थे, वहाँ के सरपंच हैं सुरेंद्र चौधरी, तो उनके पास आए थे कि हम शायद अपनी लड़की को लेने या कुछ पंचायती का मामला था, तो वहाँ पर जो घटना घटी है लड़की के साथ के मारपीट का जो आप देख रहे हैं, जो जघन्य अपराध है, जो घोड़ा से मारा गया है, तालिबानी रूप का दूसरा चरित्र आपने गणेशपुर पंचायत में देखा है, जो तालिबान भी कोड़ा से मारता है, जिसका पूरा दुनिया निंदा करता है, वो आपके पूर्णिया में घटित हो गया है, और पूर्णिया के जितने बुद्धिजीवी हैं इस पर मौन साधे हुए हैं, यह देख करके हम लोगों को रहा नहीं गया। और हमारे साथ भीम आर्मी के चंदन आज़ाद हैं, CPIML के मुकेश प्रभाकर जी हैं, और तमाम सामाजिक संगठन के लोग आज पुलिस अधीक्षक पूर्णिया से मिलने के लिए हम लोग डेलीगेट लेके आए, और यहाँ से हमें आश्वस्त किया गया पूर्णिया पुलिस अधीक्षक के द्वारा, उन्होंने मुझे बताया कि इस मामले का केस रजिस्टर्ड हो गया है के नगर थाना में और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और हम लोग इस पर ध्यान रखे हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से संतुष्ट हैं कि पूर्णिया जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है, और जल्द ही इनको न्याय दिलाने का भरोसा पूर्णिया पुलिस ने दिया है। निश्चित तौर पे संबंधित थाना को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, के नगर थाना की लापरवाही की वजह से ही आज 4 दिन 5 दिन बीत जाने के बाद केस रजिस्टर्ड हुआ है, यही लापरवाही और की जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे। तो आपको पूछा था क्या है आप लोग? देखिए, मांग ये है कि कानून अपना काम करे और पीड़ित को न्याय दिलाए।
वो क्या मामला था, कैसे शादी हुआ, कैसे लड़की अपने घर चली गई, क्या हुआ, ये क्या मामला है, वो एक अलग साइड, एक अलग मामला बनता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे तालिबानी बर्बरता के रूप में उस लड़की पर अत्याचार हुआ है, उसको कोड़े से मारा गया है, बेदर्दी से मारा गया है, तो जब तक लड़की आकर के पूर्णिया पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने अपना बयान नहीं दे देती है, उस पर पुलिस भी अपनी कार्रवाई करने के लिए कहाँ तक सक्षम है वो प्रशासन जानेगी और पुलिस उस तरफ काम कर रही है। लेकिन कुछ आपके एसटी समाज के लोगों ने कहा कि हम लोग विश्व पंचायति में गए हुए थे, हाँ, और उन लोगों को भी गाली गलौज किया गया और उन लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। देखिए, अभद्र व्यवहार की जानकारी तो मुझे भी है, लेकिन उस पर कहाँ तक क्या कार्रवाई हो रही है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर जब वहाँ पर गए होंगे तो उनके साथ तो अभद्रता की गई है, लड़की को अंदर बंद कर दिया गया, इन लोगों को बाहर कर दिया गया, तो अभद्रता तो हुई ही है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, इसमें कहा जा रहा है क्या कि लड़की बालिग है, लेकिन सरपंच कहना कि नहीं लड़की नाबालिग है, आज कुछ पेपर दिया तो गया उनके द्वारा। ये तो प्रमाण, जिसका जो प्रमाण होगा अपना अपना पक्ष रखेंगे। अगर मान लीजिए लड़की बालिग है नाबालिग है, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो अलग इशू है, उसके लिए अगर ये दोषी हैं तो इनको सजा मिलेगी, निश्चित तौर पर मैं इसके हिमायती हूँ। लेकिन जो सरपंच के पति ने किया है उसको क्या कहते हैं आप, उसके लिए क्या पूर्णिया के बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचते हैं, पूर्णिया जिला प्रशासन क्या उसको देखती है। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में चला गया, एक वीडियो वायरल है जो घूम घूम के मुझे कभी दिल्ली से आ रहा है, कभी पंजाब से मुझे वापस आ रहा है, मुझे बिहार के विभिन्न राज्यों से जिला से आ रहा है कि पूर्णिया में ऐसी घटना घट गई, साहब आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। तो पूर्णिया के बुद्धिजीवियों पर एक सवाल खड़ा करता है ये घटना, और ऐसा पहले भी कई घटना काजा गणेशपुर में हुआ है जिस पर भी हम लोग आंदोलन किए हैं। लास्ट सवाल हमारा ये है कि इतना हाइलाइटेड मामला में जब प्राथमिकी इतनी देर से दर्ज हो रहा है तो जनरल मामले का क्या स्थिति होगा, आप थोड़ा बता दें। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं या निचले स्तर के जो भी थाना या ब्लॉक जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम अगर सक्रिय हो जाए तो ये अपराध घटेगा ही नहीं। अगर न्याय गरीबों को मिलना शुरू हो जाए तो अपराध करने वाला भी 100 बार सोचेगा कि मैं अपराध कैसे करूं।